हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फी, जिसे आप खोपरा पाक भी कह सकते हैं। इसे बनाने में हार्डली 13 से 14 मिनट लगता है और इसमें ना हमें मावा चाहिए, ना चाशनी बनानी है और ना किसी मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। आप रक्षाबंधन के अवसर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं खोपरा पाक या नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कप नारियल का बुरादा लिया है। यदि ग्राम में देखें तो ये करीबन 300 ग्राम नारियल का बुरादा है। अब हम इसे सिम गैस पर 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और 3 मिनट के बाद मैं यहाँ चीनी मिलाऊंगी। चीनी मैंने यहाँ करीबन 1.25 कप लिया है। आप इससे बिल्कुल ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। और चीनी को भी हम बुरादे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे सिम गैस पर ही 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए सेकेंगे। और 2-3 मिनट के बाद मैं यहाँ 1/2 कप दूध मिला रही हूँ। ये दूध रूम टेम्परेचर पर ही है और फुल क्रीम दूध है। और साथ ही मैं यहाँ 1/2 कप दूध की मलाई मिला रही हूँ। ये दूध की मलाई थोड़ी ठंडी है, आप रूम टेम्परेचर पर मलाई हो उसे ले सकते हैं। और हम मलाई को अच्छे से बुरादे के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल सिम ही रखना है और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद मैं यहाँ 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर कलर लेकर मिला रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यदि आप वाइट नारियल बर्फी बना रहे हैं। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हम इसे करीबन 9-10 मिनट के लिए चलाते हुए सेकेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल सिम ही रखना है। और 9 मिनट के बाद मैं यहाँ थोड़ा इलायची पाउडर मिला रही हूँ। मैंने 4 इलायची ली है और साथ ही मैं यहाँ 1 चम्मच देसी घी मिला रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और हम 1-2 मिनट के लिए इसे और सेकेंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मावा की बनी हुई है या हमने मलाई से बनाई है। फ्रेंड्स, यदि ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम इसे चेक भी कर लेंगे कि ये सिका है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा बाउल में ले रही हूँ और ये बंधने लग जाए तो समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल तैयार है और हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना चाहिए। तो मैंने इसे 3 मिनट, जब हमने नारियल के बुरादे को सेका था उसके बाद मैंने इसे करीबन 10 मिनट तक सेका है। अब मैं एक थाली में घी से ग्रीस कर लूँगी। आपके पास जो भी बर्तन है बर्फ़ी जमाने का, आप उसे ग्रीस कर लीजिए। और यहाँ मैं इस मिक्सचर को डाल दूँगी, फिर हम इसे स्प्रेड कर लेंगे बर्फ़ी जमाने के लिए। तो मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है एक पलटे की सहायता से। और स्प्रेड करने के बाद हमें 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, उसके बाद हम कट करेंगे। यदि आपके पास चांदी का वरक हो तो आप उसे लगा लीजिए इधर। और यहाँ मैं कुछ कटे हुए पिस्ता लगा रही हूँ। आप चाहे तो बादाम, चांदी का वरक कुछ भी लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अब मैं थोड़े पलटे की सहायता से इसे दबा देती हूँ। बस ये देखने में सुंदर लगती है, इसलिए हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। 15-20 मिनट के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से आपको जो साइज चाहिए उसमें कट कर लीजिए। ये खाने में इतना टेस्टी होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप किसी भी त्यौहार के अवसर पर या कोई गेस्ट आए घर में तो आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए करीबन मैंने 16 पीसेज इसके किए हैं। तो ये हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे रक्षाबंधन के अवसर पर ट्राई कीजिए और अपने भाइयों को खिलाइए।
और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।